2019 में 58,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था परमानेंट रेजिडेंस के लिए कनाडा में, और उसी साल 2019 में $21 बिलियन ऐड किए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने कनेडियन इकोनॉमी में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे कौन कौन सी जॉब्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर तरह की जॉब करते हैं, चाहे वो एक मिनिमम पेइंग वेज जॉब हो और चाहे उनकी वो स्टडी के साथ रिलेटेड जॉब हो। और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैं एक फैक्ट्री वर्कर से लेके एक मैकेनिकल डिज़ाइनर तक कैसे पहुँचा, और बीच में मैंने कौन कौन सी जॉब्स बदली और कौन कौन सी जॉब्स की। आइए चलते हैं। जब मैं यहाँ ओंटारियो में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था, तो मैंने यहाँ आकर फैक्ट्री, वेयर हाउसेज, सुपर स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, मैकेनिक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, सिक्योरिटी जॉब से लेकर एक अच्छी बड़ी और इंटरनेशनल कंपनी में भी काम किया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पूरी जर्नी का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और इस जर्नी से आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब जो मैंने यहाँ आकर ढूंढी थी वो थी एक फैक्ट्री की जॉब। दोस्तों, फैक्ट्री वेयर हाउसेस की जॉब के लिए आपको बहुत कम या मिनिमम से नो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। आपको चाहिए तो बस आपको कनेक्शंस चाहिए होते हैं, या तो आप अपने दोस्तों से पूछिए, आप अपने रिश्तेदारों से पूछिए। अगर आपका कोई कनेक्शन यहाँ कर नहीं है तो सबसे पहला यहाँ कर काम ये कीजिए कि जितनी भी एजेंसीज हैं, टेम्परेरी स्टाफिंग एजेंसीज, उनमें जाकर अप्लाई कर दीजिए। आपको कहीं ना कहीं से कॉल ज़रूर आ जाएगी, खास करके अगर ऐसा शहर है, ब्रैम्पटन है, GTA एरिया है, तो यहाँ काफ़ी टेम्प्रेरी स्टाफिंग एजेंसीज आप ढूंढ सकते हैं, जहाँ आप जाकर अप्लाई करें तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो मेरी पहली जॉब थी एज अ फैक्ट्री वर्कर, एक बेकरी थी, वहाँ मैं नाइट शिफ्ट करता था और सुबह मैं स्कूल जाता था। जब आप यहाँ कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट नए आते हैं, तो आपको इन एजेंसीज में अप्लाई करने का बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादातर इन एजेंसीज को ना रेज्यूमे चाहिए होता है और ना ही ज़्यादा एलिजिबिलिटीज चाहिए होती हैं। तो आप यहां आते ही एज ए न्यू कमर इन एजेंसीज में अप्लाई करके जॉब ढूंढ सकते हैं और एक अच्छा इनकम कैश का फ्लो बना सकते हैं। जब मैंने 4-5 महीने फैक्ट्री वर्कर का काम कर लिया था, तो मैंने और जॉब ढूंढनी शुरू की, क्योंकि वो मेरे स्कूल के स्केड्यूल के साथ ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाता था। रात को काम पर जाना और सुबह कॉलेज जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, मेंटली और फिजिकली आप थक जाते हो। तो फिर मैंने ढूंढी एक सिक्योरिटी की जॉब। सिक्योरिटी की जॉब बाय फार मेरे स्टूडेंट करियर की एज अ स्टूडेंट बेस्ट जॉब रही है। सिक्योरिटी की जॉब के लिए आपको कुछ प्रीरिक्विजिट्स चाहिए होते हैं, जिसके लिए आपको एक सिक्योरिटी का एग्जाम देना पड़ता है और उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन एक बार लाइसेंस आपके हाथ में आ जाए तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, जिनकी पे भी बहुत अच्छी होती है, जो फ्लेक्सिबल भी काफ़ी हो सकती हैं, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी मिलती हैं अलग अलग साइट्स पे जाने के लिए, जिससे आप एक जगह पर बार बार काम करके बोर बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने कई जगह पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम किया है, मैंने बैंक में किया है, मैंने मेलों में किया है, फेयर्स अलग अलग डाउनटाउन में होते थे, मैंने अलग अलग कॉन्डोमिनियम्स में किया है, मैंने अपार्टमेंट्स में एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम किया है, मैंने वेयर हाउसेस में सिक्योरिटी गार्ड काम किया है। तो ये आपको अपनी जॉब से कभी बोर होने देती ही नहीं है। मैंने अपने 4 साल के अभी तक की जर्नी में कम से कम 2 साल सिक्योरिटी की जॉब्स ही की हैं अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान। अगर आपका स्केड्यूल 5 दिन कॉलेज का भी है, तो तब भी आप सिक्योरिटी की जॉब्स आसानी से कर सकते थे, बिना मेंटली टाइड हुए और बिना फिजिकली टाइड हुए। तो जब सिक्योरिटी लाइसेंस मेरे हाथ में आ गया, मैंने अलग अलग कंपनीज में जाके अप्लाई किया जो कि सिक्योरिटी की जॉब्स प्रोवाइड करती थी, और इन जॉब्स ने मुझे मेरे स्केड्यूल के अराउंड जॉब दी, और कभी कभी तो आपको 10 से 15 घंटे की भी शिफ्ट मिल जाती थी। इससे फ़ायदा ये होता था कि आपका जो वीकली एक कोटा होता है कि आप 20-22 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकते, वो आपको 1 या 2 शिफ्ट में ही कवर हो जाता था। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर अदर जॉब्स, आप टाइड भी नहीं होगे, आपको वेज भी अच्छी मिलेगी, और आपका जो वीकली कोटा है वो 1 या 2 शिफ्ट में पूरा हो सकता था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेस्टोरेंट जॉब्स के बारे में। अगर किसी जॉब ने मेरे को टाइम टू पे वेज के रेशो में हाईएस्ट नंबर दिया है, तो वो है रेस्टोरेंट की जॉब्स, और वो कैसे दिया है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनका कॉलेज का स्केड्यूल 5 दिन है और उनको पढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है और वो लंबी शिफ्ट लगा नहीं सकते किसी भी कारण, तो आपको रेस्टोरेंट या कस्टमर
फोकस सर्विस की जॉब्स जरूर ढूंढनी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि आपको अपने आवरली वेज के बजाय आपको एक टिप भी मिल सकती है। जब मैंने रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया तो मैं एक डिशवॉशर की पोजीशन पे लगा था, तो डिशवॉशर की जॉब में मुझे काफ़ी बर्तन धोने पड़ते थे, टाइम भी काफ़ी लगता था और आप पे भी ज़्यादा नहीं कमा पाते। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि जितना मैं वहाँ उस रेस्टोरेंट में काम करता गया, आखिरकार मैं वहाँ फूड सर्वर बन गया। तो फिर ऐसा हुआ, अगर मैं 5 घंटे की शिफ्ट एज अ फूड सर्वर लगाता था तो 5 घंटे के तो पैसे मुझे मिलते ही थे आवरली, ऊपर से मुझे $60 से $70 टिप 5 घंटे की भी मिल जाती थी और ऊपर से मुझे फ्री खाना भी मिल जाता था घर लेके जाने के लिए एक टाइम का। सो काफ़ी फ़ायदा होता है, $50 से $70 में आप अपनी एक हफ्ते की ग्रॉसरी ला सकते हैं। मैंने अपनी स्टूडेंट जर्नी के दौरान एक इंडियन रेस्टोरेंट खाना सूत्रा में काम किया, फ्रेशी में काम किया, नैंडोज में काम किया और मेरा तीनों रेस्टोरेंट से एक्सपीरियंस यही रहा कि अगर आपका एक रेस्टोरेंट बहुत बिजी रेस्टोरेंट है या ऐसा रेस्टोरेंट है जो फ्लेक्सिबल आवर्स प्रोवाइड कर सकता है तो आपको अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट की जॉब आपको बहुत हेल्प करता है आपके कॉलेज स्केड्यूल को अकोमोडेट करने के लिए। सो कॉलेज लाइफ के दौरान जब मेरा पहला ड्रॉप, पहला ब्रेक आया, पहला 4 मंथ का ब्रेक आया, तो मैंने एक बहुत अच्छी जॉब ढूंढनी 1 महीने पहले ही शुरू कर दी। अगर आप भी उसी मोड पे हैं कि आपको एक ब्रेक आने वाला है, एक ड्रॉप आने वाला है आपके प्रोग्राम के दौरान, तो आपको सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि आपको अपना रेज्यूमे रेडी रखना चाहिए। रेज्यूमे रेडी रख के आप उसे अलग अलग साइट्स पे monsterjobs.com, glassdoor.ca, indeed.com पे अप्लाई कीजिए और काफ़ी जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। मैं इंडीड पे कम से कम दिन की एटलीस्ट 100 जॉब्स अप्लाई करता था और ये मजाक नहीं है, मैं कम से कम 100 जॉब्स अप्लाई करता था अपना अच्छा सा रेज्यूमे बना के और 100 में से कम 20 जॉब पोजीशंस का रिप्लाई आता था कि यस वी हैव गॉट योर रेज्यूमे एंड वी विल कंसिडर इट, और 20 में से उसमें से सिर्फ 5 या 6 लोग जॉब पोजीशन पे फॉलो अप करते थे। तो ये रेशियो तो काफ़ी कम है, लेकिन मुझे इंडीड से काफ़ी अच्छी जॉब्स मिली है। मुझे इंडीड से 2 रेस्टोरेंट्स फ्रेशी और नैंडोस की जॉब मिली थी, मुझे इंडीड से एक टायर मैकेनिक की जॉब मिली थी जिसके बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो मुझे जब इंडीड से असिस्टेंट टायर मैकेनिक की जॉब मिली, मैं इंटरव्यू देने गया और मैंने कभी लाइफ में गाड़ी को ठीक भी नहीं किया था, लेकिन कनाडा आने से पहले मैंने 1 महीने अपने घर के पास एक ट्रक मैकेनिक शॉप पे एज ए असिस्टेंट काम किया था, जहां मैं मेन मैकेनिक के साथ हेल्प करता होता था चीज़ें उठाने में, उसे टूल्स देने में, कुछ नट्स एंड बोल्ट्स टाइट करने में, तो वो मैंने अपने रेज्यूमे में डाला हुआ था जिसके लिए इस एम्प्लॉयर ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब उन्होंने मुझे एक टायर पंचर फिक्स करने के लिए कहा तो मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने उनको बताया कि मैंने कभी टायर पंचर फिक्स नहीं किया है लेकिन मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, इसका बहुत फ़ायदा होता है एक रेज्यूमे अच्छा बनाएं ताकि आपको इंटरव्यू मिल सके और अपने आप को इंटरव्यू में अच्छी तरह प्रेजेंट करें, और थोड़ा बहुत भी कोई आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस हो तो आपको बहुत हेल्प करता है। मेरे पास कभी इंडिया में गाड़ी नहीं रही तो मैंने कभी गाड़ी के साथ डील नहीं किया था कि गाड़ी का टायर कैसे उतारते हैं, कैसे उसका पंचर फिक्स करते हैं, लेकिन उस जगह पे मैंने ये सभी स्किल्स सीख लिए। मैंने टायर का पंचर फिक्स करना सीखा, मैंने ब्रेक्स लगानी सीखी, मैंने ब्रेक्स को सर्विस देना सीखा, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैंने वहाँ काफ़ी सीखी, सिर्फ इसी कारण क्योंकि मैंने एक जगह पे इंडिया में थोड़ी देर काम किया था जो कि एक असिस्टेंट टायर मैकेनिक के साथ रिलेटेबल था, और क्योंकि मैंने अपने आप को इंटरव्यू में अच्छी तरह प्रेजेंट किया तो मुझे वो जॉब मिल गई। ये जॉब भी काफ़ी अच्छी और हाईली पेइंग थी उस दौर में, जहाँ जब मिनिमम वेज 11 होती थी, मेरी पे वेज उस जॉब में $19 थी, जिसने मुझे मेरी कॉलेज की फ़ीस उतारने में काफ़ी हेल्प भी की, मुझे ओवरटाइम भी काफ़ी अच्छा मिलता था। और मैं आपको ये हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप इंडीड पे जॉब्स अप्लाई करना शुरू कीजिए, एक अच्छा सा रेज्यूमे ज़रूर बनाइए। सो प्लीज़ गाइस, डू अप्लाई ऑन इंडीड, glassdoor.ca एंड अदर एम्प्लॉयमेंट साइट्स, अच्छे रेज्यूमे के साथ आपकी बहुत हेल्प होगी। इसी दौरान मैंने एक सेमेस्टर ब्रेक में, जो एक हफ्ते की ब्रेक आती है ज़्यादातर सेमेस्टर्स में, मैंने कंस्ट्रक्शन का काम भी किया था। मेरा काम वहाँ ये था कि जब आप कंक्रीट को उठाते हैं तो उसे एक व्हील बैरो में लेके जाना होता है, तो उस व्हील बैरो को मैंने ट्रक से लेकर पीछे बैक यार्ड में लेकर जाना था, तो इस काम के काफ़ी पैसे मिले थे मुझे। मैंने 3 से 4 शिफ्ट्स लगाई थी। कंस्ट्रक्शन की जॉब काफ़ी फिजिकली आप पे हैवी हो सकती है, लेकिन आपको कैश काफ़ी अच्छा मिलता है।
मैंने कंस्ट्रक्शन का काम बहुत कम किया, 3 से 4 दिन किया था, क्योंकि कैजुअल के साथ ज़्यादा फिट नहीं बैठ सकी थी। लेकिन उससे पैसे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आप एक कंसिस्टेंट तौर पे डेली का $120 to $150 मिनिमम आप कमा सकते हैं अगर आपका कॉलेज का स्केड्यूल फ्लेक्सिबल है आपके कंस्ट्रक्शन की जॉब के साथ। अगर आपका कॉलेज का स्केड्यूल कम है, आप 2 या 3 दिन कॉलेज जाते हैं और आपको एक जॉब चाहिए परमानेंट कंसिस्टेंट, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वेदर में, अच्छे और या बुरे वेदर में काम करने में, बाहर या अंदर काम करने में घर के, तो कंस्ट्रक्शन की जॉब आपके काफ़ी मदद भी आ सकती है। तो ये सभी जॉब्स करके आज मैं एक मैकेनिकल डिज़ाइनर की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्योंकि मैं आजकल कोरोना वायरस के कारण घर से काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे घर का सेटअप क्या है, मैं काम कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ एज अ मैकेनिकल डिज़ाइनर, और आपको ये भी बताऊंगा कि ये जॉब मुझे मिली कैसे। तो आइए चलते हैं। सो मैं एज अ मैकेनिकल डिज़ाइनर हैच कंपनी में काम करता हूँ। हैच एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। तो मैं अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मैं आपको अभी अपना सेटअप दिखाऊंगा, लेकिन आपको वो दिखाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जॉब मुझे ढूंढी कैसे थी। तो मेरे प्रोग्राम जो था वो था इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, उसमें एक कोऑप का ऑप्शन था। सो सबसे पहली बात तो मैं व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि जो लोग यहाँ अपने पढ़ाई को मन में रख के आते हैं वो कोऑप का ऑप्शन ज़रूर ऑप्ट करें अगर उनके प्रोग्राम में ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा कैनेडियन वर्क प्लेसेस पे एक्सपोज करने का आपको। और अपना प्रोग्राम पूरा होने के बाद हैच के जो मैनेजर थे मेरे डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुझे फुल टाइम एक पोजीशन देने का ऑफर रखा, जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना वर्क फ्रॉम होम का सेटअप। ये है मेरा सेटअप, मेरे पास एक स्क्रीन लगी हुई है, एक लैपटॉप है, और ये मैंने गार्बेज बैग टांगे हुए हैं यहाँ, इसलिए क्योंकि मेरा जो रूममेट है अभी कैमरा के पीछे खड़ा है वो कभी कभी सो रहा होता है सुबह को, तो मैं नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब हो, इसलिए मैंने गार्बेज बैग यहाँ इसलिए टांगे हैं, एज अ कर्टन एक्ट करते हैं ताकि जो लाइट होती है वो लाइट से वो मेरा रूममेट तंग ना। वैसे तो कंपनी ने मेरे को 2 स्क्रीन्स और एक लैपटॉप प्रोवाइड किया था, और साथ में सारी वायरिंग भी, माउस, कीबोर्ड और हेडफोन्स भी प्रोवाइड किए थे, लेकिन मेरे पास जगह कम होने के कारण मैंने सिर्फ यहाँ एक लैपटॉप और एक स्क्रीन ही फिट कर पाया हूँ। सो ये थी मेरी जर्नी एज अ फैक्ट्री वर्कर से लेके एक मैकेनिकल डिज़ाइनर तक की, और इस पीरियड के दौरान मैंने जॉन सी भी जॉब की है आपको आज बताई, और मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई भी शर्म नहीं है कि जब मैंने एज अ फैक्ट्री वर्कर पहले दिन फैक्ट्री की शिफ्ट लगाई थी तो घर आके मैं काफ़ी रोया था, और रोने के दौरान मैंने अपने घर भी फ़ोन किया था और कहा था कि मुझे कैनेडा बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ मैंने जो भी जॉब्स की है और आज मैं जॉन सी भी जॉब कर रहा हूँ वो मुझे काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करके मिली है। लेकिन एक मैं सजेशन सभी व्यूअर्स को देना चाहूँगा, अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह उसमें काम कर रहे हैं तो कभी भी अपने आप को एक जॉब से जोड़कर मत रख लीजिएगा, और जॉब्स ढूंढिए, बढ़िया जॉब्स ढूंढिए, बेहतर बेनिफिट्स वाली जॉब ढूंढिए, अच्छी पे वाली जॉब ढूंढिए, लेकिन कभी भी एक जॉब के साथ स्टक मत होइएगा। सो अगर आप भी उसी टाइम से गुजर रहे हैं जहां आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी उसी टाइम से गुजरा था, और काफ़ी बल्कि मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसी टाइम से गुजरते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आकर ज़रूर लो लेवल वाली, लो पेइंग वाली, मिनिमम वेज वाली जॉब ज़रूर करते हैं, लेकिन ये मेरा फर्म बिलीव है कि हर जॉब सिर्फ एक बिगिनिंग का स्टेप होता है, आप उससे अच्छी और बेहतर जॉब्स ढूंढते रहिए। मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने जब फैक्ट्री का काम मुझे समझ आया कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैंने सिक्योरिटी की जॉब ढूंढी। सिक्योरिटी के साथ जब मुझे समझ आया कि मेरे को अपने कॉलेज के स्केड्यूल के अराउंड काम चाहिए, तो मैंने रेस्टोरेंट की जॉब ढूंढी। ब्रेक के दौरान, कॉलेज के ब्रेक के दौरान मैंने कंस्ट्रक्शन का काम भी किया, एज अ टायर मैकेनिक का भी काम किया। बाद में कोऑप के दौरान मैंने हैच कंपनी में जॉब ढूंढी, जिसने मुझे आज ये एज अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी दे दी। तो इस जॉब ढूंढने की जो रन है, जो ये भूख है, इसी को मिटाते हुए मैं एक अच्छी जॉब पे आ गया। तो अगर आप भी उसी परस्यूट से गुजर रहे हैं, उसी जर्नी से गुजर रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, हार मत मानिएगा, आप ऐसे ही चलते रहिए, अच्छी जॉब ज़रूर ढूंढिएगा, ऐसे ही वीडियोस एंजॉय करते रहिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं और अच्छी और नए आइडियाज से वीडियोस ला सकूं और आपको दिखा सकूं। थैंक यू।